कर्नाटक राज्य से अवैध गुटके की खेप महाराष्ट्र राज्य में पहुंचाने की कोशिश सोलापुर पुलिस ने नाकाम कर दी है। कर्नाटक राज्य से महाराष्ट्र के अहमदनगर की तरफ जा रहे गुटके से भरे ट्रक को सोलापुर पुलिस ने बड़ी चालाकी से रास्ते में ही पकड़ लिया। ट्रक के साथ साथ जा रहे स्कॉर्पियो गाड़ी को भी पुलिस ने अपने कब्जे में ले लिया है। इस मामले में सोलापुर पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। काल रात्री रात्रगस्त करत असताना फौजदारी पोलिसांचे डीबी पथक व इतर अधिकारी कर्मचारी यांना एक माहिती मिळाली होती। त्या माहितीमध्ये AP09Y7060 हा ट्रक गुटखा घेऊन जाण्याची खबर होती आणि तो ट्रक हा समर्थ हॉटेलच्या समोर उभा आहे अशी माहिती म्हणून त्यांनी स्वतः ठिकाणी जाऊन माहिती खात्री केली। त्यात गुटखा असल्याची खात्री केल्यानंतर आमचे दुय्यम कोणी सय्यद साहेब आणि मान्य 2 मॅडम यांना तिथे आले आणि त्यांनी छोटासा माल हा गुटखाचे खाते पटल्यानंतर पोलीस स्टेशनला आतील लोकांसह जमा केलेला आहे। आज सकाळी फूड अँड ड्रगचे कर्मचारी अधिकारी यांना बोलवण्यात आलं होतं। त्यांनी टोटल गुटखा हा मोजला, सर्व गुटखा हा 148 गुणी भरलेला आहे आणि त्याची साधारण किंमत 10 लाखापर्यंत आहे। ताब्यात 4 लोक आहेत। याची पुढील कारवाई जी आहे ही फूड अँड ड्रग जे आहेत हे डिपार्टमेंट करेल। हिरा गुटखा आहे आणि किंमत साधारण 10,36,000 रुपये आहे। 148 गोण्या आहेत त्याच्यात। कुठून निघालता? कुठून निघालता? बसव कल्याणवरून निघालेला आणि नगरला चालला। आता तुम्ही काय कारवाई केली? आता आम्ही तो जप्त करून आमच्या ताब्यात घेतलाय आणि तो त्वरित जाळून टाकणार आहे। ही कारवाई बुधवार की रात में की गई। अवैध गुटखा ले जाने वाले ट्रक ड्राइवर का नाम अतीक मोहम्मद उस्मान बताया जा रहा है, जो कर्नाटक के हुमनाबाद क्षेत्र का रहने वाला है। और स्कॉर्पियो चलाने वाला रविंद्र ज्ञान देव रण श्रृंगारे भी पुलिस हिरासत में है, जबकि इसके अलावा 2 लोग और भी गिरफ्तार किए गए हैं, जिनका नाम हनुमंत रेड्डी और नारायण रेड्डी बताया जा रहा है। पुलिस द्वारा जब्त किए गए अवैध गुटखे की कीमत तकरीबन 10 लाख रुपए के आसपास बताई जा रही है। फिलहाल प्रशासन द्वारा गुटखे पर लगाई गई पाबंदी के बाद भी गुटखे की बिक्री इतने बड़े पैमाने पर आखिर कैसे हो रही है, ये अपने आप में एक अहम सवाल बनकर सामने आया है, जिसका जवाब शायद ही किसी के पास हो। जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज, कर्नाटक।